हैदराबाद के अलग अलग बस डिपो के पास ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचे आरटीसी के हड़ताली मुलाजमीन को पुलिस ने रोक दिया। कुछ डिपोज के पास मुलाजमीन की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी भी अमल में आई है। इन गिरफ्तारियों के बाद तेलंगाना के सभी डिपो के पास हालात कशीदा बन गए। कई जगहों पर ड्यूटी पर नहीं लेने की वजह से मुलाजमीन रोते हुए भी पाए गए। इस दौरान वो तेलंगाना हुकूमत से ड्यूटी पर वापस लेने की अपीलें करते भी नजर आए, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करते हुए थाने ले जाती रही। बता दें कि 52 दिनों तक चली आरटीसी की हड़ताल को जेएसी ने कल खत्म करने का ऐलान किया था। ड्यूटी पर ज्वाइन होने की मुलाजमीन से अपील की गई थी। इसी दौरान आरटीसी एमडी सुनील शर्मा ने मुलाजमीन को ड्यूटी पर वापस नहीं लेने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने वार्निंग भी दी है कि जो भी टेम्पररी मुलाजमीन को रोकते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी जमन में जेएसी के कन्वेनर अश्वथामा रेड्डी ने मुलाजमीन से कहा है कि तमाम ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाने के लिए तैयार हो जाएं, और अगर इस दौरान पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार हो जाएं और जेल चले जाएं। इस दौरान फलकनुमा फारूक नगर बस डिपो के करीब ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचे करीब 160 आरटीसी मुलाजमीन को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए मुलाजमीन में खातून मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीपीएन न्यूज। మాకు అలౌడ్ చేయతను అమ్మా